एक बार आपने कहा था कि दुनिया में कई लोग स्वस्थ नहीं हैं और हो सकता है वे सिर्फ इसीलिए बीमार हों क्योंकि हमने कुछ सरल चीजें नहीं समझी हैं और ये सरल चीजें बड़ी आसानी से सीखी जा सकती हैं, इन्हें दुनिया में फैलाया जा सकता है और सबके साथ बांटा जा सकता है। क्या आप उन सरल चीजों के बारे में कुछ बता सकते हैं जो हमें स्वस्थ बना सकें? स्वस्थ रहना, एक बार एक नौजवान डॉक्टर था, वो अपने सीनियर साथी के पास गया और उसने पूछा। वो अपने एक मरीज की बीमारी की जांच करते हुए उलझ गया था, तो उसके सीनियर साथी ने कहा, अच्छा सर चकरा रहा है और उल्टियां हो रही हैं? हाँ, लेकिन मेडिकल तौर पर ऐसा कोई कारण नहीं नजर आ रहा है जिससे सर चकराए और उल्टियां हों। तो सीनियर साथी ने उसे सलाह दी, तुम उससे पूछो कि क्या वो गोल्फ खेलता है, अगर वो खेलता है तो उसे खेलने से मना कर दो और अगर वो कहे कि वो नहीं खेलता तो उसे खेलने के लिए कहो, वो ठीक हो जाएगा। सेहत ऐसी ही है। सच में कुछ लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और उनकी तबीयत खराब है, ज्यादातर लोग बहुत कम काम कर रहे हैं और आज उनकी तबीयत खराब है। अगर आप इस धरती पर 200 साल पहले रह रहे होते तो शारीरिक रूप से आप आज की तुलना में कम से कम 20 गुना ज्यादा काम कर रहे होते, शारीरिक रूप से, बिल्कुल है ना? आपको यहां तक चलकर आना पड़ता, सब कुछ आपको अपने हाथों से करना पड़ता, आपको कम से कम 20 गुना ज्यादा काम करना पड़ता, शायद मैं गलत कह रहा हूं, शायद 100 गुना ज्यादा। आप में से कुछ को तो 250 गुना ज्यादा। तो अगर आप उतना काम कर रहे होते तो मैं आपको ब्रेक लेने के लिए और थोड़ा आराम करने के लिए कहता। फिलहाल इस शरीर का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। Only by using this body you can keep it well. सिर्फ इसका इस्तेमाल करके ही आप इसे अच्छा रख सकते हैं। जब आप सेहत की बात करते हैं, आप शारीरिक सेहत की बात कर रहे हैं। आपको शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसका जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही बेहतर होता जाएगा। स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है शरीर से काम लेना। अगर आप अपने शरीर का पर्याप्त इस्तेमाल करें तो शरीर में वो सब कुछ है जिससे खुद को स्वस्थ रख सकता है। क्या इसका मतलब है कि बस ये एक चीज है, मुझे और कुछ नहीं होगा, मैं एकदम स्वस्थ रहूंगा? मैं कहूंगा कि अगर हम अपने शरीर का उतना इस्तेमाल करें जितना कि हमें करना चाहिए तो मेरा मानना है कि धरती से 80% बीमारियां गायब हो जाएंगी। 80%, बची हुई 20% में से 10% वो बीमारियां हैं जो लोगों के खाने पीने की आदतों के कारण पैदा हुई हैं। अगर वो फूड हैबिट्स ठीक कर लें तो वो 10% भी गायब हो जाएगी, यानी सिर्फ 10% बीमारियां ही बचेंगी जो कि बहुत सारे अन्य कारणों से होती हैं, जिनमें से एक है कर्म, दूसरा है वातावरण और अन्य चीजें भी हैं जो हमारे सिस्टम में होती हैं, उन्हें देखा जा सकता है। अगर सभी बीमार लोगों में से 90% सिर्फ शरीर का इस्तेमाल करके और सही खाना खाकर ठीक हो जाएं, तो 10% को आसानी से संभाला जा सकता है। लेकिन आज बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं क्योंकि हम ठीक से नहीं खाते या फिर हम कुछ ज्यादा ही ठीक से खाते और शरीर का इस्तेमाल ठीक से नहीं करते। तो इसके अलावा जिंदगी के दूसरे पहलू भी हैं। इसे सरल शब्दों में कहें तो जैसे जैसे आप शरीर की कसरत करते हैं, अगर आप बस ऐसे दिन में 1000 बार करते हैं
बस दिन में 1000 बार ऐसे कीजिए और 1 महीने बाद देखिए कि आपका हाथ कितना अच्छे से काम करता है। और कुछ नहीं, बस यहां बैठिए और बस 1000 बार ऐसा कीजिए। 30 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपका हाथ बहुत अच्छे से काम करने लगा है। अगर आप अपने दिमाग के साथ ऐसा करेंगे। तो ये 1 महीने के बाद बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर आप अपने दिल के साथ ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर आप अपनी जीवन ऊर्जा के साथ ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करेगी। जब ये सभी चीजें अच्छे से काम करती हैं तो यही सेहत है। सेहत कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप रचते हैं। सेहत आपका विचार नहीं है। सेहत का मतलब है जीवन अच्छे से चल रहा है, जीवन की प्रक्रिया अच्छे से चल रही है, यही सेहत है। यह आपका या मेरा विचार नहीं है। हम ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे सेहत हमारा विचार हो, जैसे हमने इसे बनाया है। हमने सेहत को नहीं बनाया है। अगर सच में हमने कुछ बनाया है तो हमने बीमारियों को बनाया है। हमने सेहत को नहीं बनाया है। सेहत जीवन का तरीका है। अगर आप जीवन को पूरी तरह से काम करने देंगे तो वह स्वस्थ रहेगा। तो आपको बस अपने शरीर का, अपने सिर का और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। अगर इन 3 चीजों की अच्छी कसरत हुई है और ये संतुलित है तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो क्योंकि फिलहाल हम गैजेट्स का मजा ले रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में एक्टिविटी लाते हैं, शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा, अगर इन 3 स्तरों पर काम होगा हेल्थ, तो सेहत आ जाएगी। आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है, आपका मन अच्छे से काम कर रहा है और आपकी ऊर्जा इन दोनों को सहारा दे रही है और यह पक्का कर रही है कि कुछ गड़बड़ ना हो, यही सेहत है। लाइफ इज हैपनिंग इन फुल फ्लो, दैट्स हेल्थ। हेल्थ, जिंदगी पूरे प्रवाह के साथ चल रही है, यही सेहत है। सेहत कोई धारणा नहीं है, ये कोई मेडिकल धारणा नहीं है। चिकित्सा से जुड़े लोग और मेडिकल नॉलेज आजकल बहुत जरूरी बन गए हैं, क्योंकि हमने बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल बना ली है। इससे पहले इस दुनिया में दवाइयां कभी भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी कि आज हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा समय बस बैठे रहते हैं और इसलिए हम दिन ब दिन ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं। शायद हम लंबी उम्र जी रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि हम इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और आप ट्यूब्स के सहारे 20 साल तक जिंदा रह सकते हैं, वरना प्रकृति के अपने तरीके हैं जैसे नेचुरल सिलेक्शन। क्या आप इसका मतलब जानते हैं? हाँ, जो जीने के लिए फिट हैं वही जिएंगे, जो फिट नहीं है वो चले जाएंगे। पर आज हमने जीवन को कुछ अलग बना दिया है। अब हम पुराने तरीकों पर वापस नहीं जा सकते, पर इसका यह मतलब नहीं कि हम 20 की उम्र में 60 के बन जाएं। आज 20 साल के बहुत से नौजवान उतना काम नहीं कर सकते जितना कि आज से 100 साल पहले एक 60 साल का आदमी कर सकता था। यह एक सच्चाई है कि नहीं? 100 साल पहले 60 साल का आदमी जितना काम करता था उतना काम आज का 20 साल का नौजवान नहीं कर सकता, जिसका मतलब है कि हम मानवता को कमजोर बना रहे हैं। थोड़े समय में हम एक विकृत मानवता बन जाएंगे। तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए।